खूनी भेड़िया की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। वे जंगल में खाना तलाश कर रही थी। कितनी देर से घूम रही हूँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। लगता है आज मैं पक्का भूख से मर जाऊंगी। लोमड़ी घूमते घूमते जंगल के उस पार पहुँच गयी। वहाँ पहुँचने के बाद लोमड़ी की नज़र बगल वाले जंगल के गुफा पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा, मैंने पहले तो ये गुफा नहीं देखा, क्या पता मुझे वहाँ खाने को कुछ मिल जाए। लोमड़ी ने जैसे गुफा में प्रवेश किया, वह पत्तों के धके एक गड्ढे में गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब वह उठी तो रात हो गई थी। लोमड़ी छलांग लगाकर बाहर निकली और वह भूखी प्यासी अपने जंगल में चली गई। अगले दिन उसे एक खरगोश मिला। खरगोश ने कहा, कैसे हो बहन, कल रात तुम कहाँ थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा, पता है कल रात किसी ने बंदर का शिकार कर लिया। लोमड़ी को खरगोश की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी को फिर से कुछ खाने को नहीं मिला। वह परेशान हो गई। लोमड़ी ने सोचा, पिछली बार मैं जैसे तैसे बच गई, इस बार अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं पक्का मर जाऊंगी। कुछ देर तक चलने के बाद लोमड़ी का सिर चकराने लगा और वह वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ और मुंह में खून लगा था। जब तक वह कुछ समझ पाती, खरगोश वहाँ दौड़ता हुआ पहुँचा। अरे बहन, तुम कहाँ थी? क्यों, क्या हुआ? कल रात फिर से शिकार हुआ। जिसने बंदर को खाया था उसने हिरन को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। खरगोश की नज़र लोमड़ी के मुंह और हाथ पर लगे खून पर पड़ी। तुम्हारे मुंह और हाथ पर यह खून कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी है? पता नहीं मुझे कब और कैसे लगी। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। उस दिन के बाद से जंगल में बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। पूर्णिमा की रात को कोई न कोई मारा जाता और लोमड़ी गायब मिलती। खरगोश को लोमड़ी पर शक होने लगा। वह जंगल के राजा शेर खान के पास गया और सारी बात बताई। महाराज, पूर्णिमा की रात आने वाली है, मैं चाहता हूँ आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता? खरगोश शेर खान को योजना बताता है। शेर खान मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पूर्णिमा की रात से पहले दिन भर खरगोश लोमड़ी के साथ रहता है। शाम होते ही लोमड़ी को भूख लगने लगती है। वे खरगोश से कहती है, मुझे अजीब सा लग रहा है, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। खरगोश लोमड़ी की बात मान लेता है और चुपके चुपके उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। लोमड़ी जंगल के दूसरी तरफ वाले जंगल में जाती है। खरगोश चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे गुफा के अंदर से भेड़िया की गुर्राने की आवाज आती है। खरगोश जैसे ही गुफा में देखता है, उसे वहाँ लोमड़ी नहीं बल्कि भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया खरगोश को देख लेता है और मुस्कुराते हुए बाहर आता है। तुम अभी तो लोमड़ी अंदर गई थी, तुम कहाँ से आ गए? भेड़िया हंसते हुए बोला, लोमड़ी मेरे कैद में है, मैं वही भेड़िया हूँ जिसे उन बेरहम हाथियों ने कुचल कर मार दिया था। लेकिन मैं मरा नहीं, मेरी आत्मा किसी शरीर की तलाश में थी, तभी मुझे ये लोमड़ी मिल गई। मैं हर पूर्णिमा की रात को इस पर काबू पाकर शिकार करता हूँ और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेता हूँ। आज तेरी बारी है, आज तू नहीं बचेगा। भेड़िया जैसे ही खरगोश की तरफ आता है, खरगोश आवाज लगाता है, महाराज। खरगोश की आवाज सुनते ही शेर खान दहाड़ता हुआ भेड़िया की तरफ आता है और उसे मार देता है। भेड़िया के मरते ही लोमड़ी अपने असली रूप में आ जाती है। शेर खान और खरगोश राहत की सांस लेते हैं कि तभी उन्हें भेड़िये की आवाज सुनाई देता है। तुम्हें लगा तुम मुझे मार दोगे, मैं फिर वापस आऊंगा। इस तरह भेड़िये की वजह से लोमड़ी मारी जाती है।